हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे दूसरे वीडियो में। आज हम जा रहे हैं एक ऐसे स्पॉट में जहां फिल्म की शूटिंग हुई थी, और उसके अलावा हम उस एरिया के बारे में जानेंगे एक दिलचस्प कहानी। अगर वो कहानी नहीं होती, वो किस्सा नहीं हुआ होता, तो शायद वो लोकेशन ही हमारे पास नहीं होती। तो आज हम जाएंगे उस खूबसूरत लोकेशन में, तो उस लोकेशन को भी जानते हैं और उस किस्से को भी जानेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों चलते हैं। तो दोस्तों अब हम झुमादुरी पहुंच गए हैं, और झुमादुरी कहाँ पहुँचे हैं तो दोस्तों हम अब छमन्या पहुंच गए हैं। छमन्या सीमेंट फैक्ट्री के नाम से फेमस जो एरिया है, और ये सामने आप जो गांव देख रहे हैं ये सुई हैं, और इसके सामने जो आधा गंजा पहाड़ कहते हैं हम यहाँ, तो उस एरिया को बिसंग कहा जाता है। और जो आप ये सामने देख रहे हैं ये वाला एरिया पूरा पहाड़ से घिरा हुआ, ये वाला एरिया ये हमारा लोहागढ़ क्षेत्र हुआ है, और उसके सामने जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वो चंपावत क्षेत्र हैं। तो दोस्तों जिस गाने की शूटिंग हुई थी यहाँ पे को, वो मूवी का नाम तो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, लेकिन उस गाने में ये जो सामने बिल्डिंग दिखती है इसमें से जो हीरो था वो कूदने वाला था, और उसके बाद हीरोइन उसको बचा लेती है। तो उस गाने के बोल हैं दीवाना दिल ढूंढने मासूक एक लड़की, और उनके जो संगीतकार हैं वो कुमार सानू हैं। तो आपके सामने मैं दो शब्द प्रस्तुत कर रहा हूँ, हनी सिंह हेल्प मी। तो गाने के बोल हैं दीवाना दिल ढूंढे मासूक एक ऐसी। मैं बहुत ख़राब गाता हूँ दोस्तों, लेकिन आप मोबाइल में सुनिए और उसमें आपको ज़्यादा अच्छा लगे। फिल्म के लगभग 4 से 5 गानों की जो शूटिंग हुई थी वो इसी लोकेशन में हुई थी, और अलग अलग लोकेशन दिखाई गई थी उन गानों में। तो दोस्तों इस एरिया में काफ़ी औषधि पेड़ भी हैं यहाँ। ये जो हमारा पेड़ है ये, इसको हम तिलमोड़े का पेड़ कहते हैं। अभी इसमें फल नहीं आए हैं, जब इसमें फल आते हैं तो छोटे छोटे दाने होते हैं और बैंगनी रंग के होते हैं। ये जो फल होता है दोस्तों ये बैंगनी रंग का होता है, और ये हाईली एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो शरीर में जितनी गंदगी होती है उसको बाहर निकाल देता है ये, और हेल्थ के लिए भी काफ़ी अच्छे होते हैं, और काफ़ी टेस्टी जूसी फल होता है। आप ये सामने ये देख सकते हैं दोस्तों, ये इसको यहाँ घिंगारो कहते हैं स्थानीय भाषा में। इसमें छोटे छोटे सेब लगते हैं लाल रंग के। ये हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन की कमी होती है, जैसे महिलाओं में भी या पुरुषों में भी, तो उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, और काफ़ी लाभदायक है वो हमारे लिए। उसके अलावा आप यहाँ एक सतावरी देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो पौधा है इसे सतावरी कहा जाता है, इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स भी कहा जाता है। और इसका जो जड़ होता है दोस्तों, इसके जड़ का इस्तेमाल किया जाता है अधिकतर, और महिलाओं के लिए ख़ास तौर पर बहुत उपयोगी पौधा है ये। जैसे महिलाओं में इनफर्टिलिटी होती है, जैसे वो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, तो उसमें भी बहुत हेल्प करता है ये। उसके अलावा दोस्तों जो उनकी मानसिक संतुलन है और शारीरिक ताकत देने में भी बहुत हेल्प करता है ये पौधा। तो यहाँ हमारे पहाड़ में अधिकतर जो मेडिसिन मिलती है हमें नेचर से ही मिल जाती हैं, तो हम बहुत ही ग्रेटफुल हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि हम ऐसे पहाड़ों में जन्मे हैं। जो ये सीमेंट फैक्ट्री दिख रही है आपको, ये सन 1982 में, मतलब 1980 के दशक से बननी स्टार्ट हो गई थी, लेकिन उसके बाद गांव वालों ने इस बिल्डिंग का विरोध किया। 1982 के दौरान जिस वक्त इस बिल्डिंग में जिन्होंने पैसा लगाया था वो आर के धवन और कोई कपूर थे,
मेरे पिताजी बता रहे थे क्योंकि वो इलेक्ट्रिशियन है तो उन्होंने भी इस एरिया में काम किया है, तो उस दौरान उन्होंने बताया था कि यहाँ जो था बहुत काम जोरों शोरों से चल रहा था। तो लेकिन कुछ समय बाद फिर वहाँ के स्थानीय लोगों को पता चला कि यहाँ सीमेंट की फैक्ट्री है, तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो जाएगा, यहाँ की हरियाली ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने, यहाँ के गाँव वालों ने इस फैक्ट्री का विरोध किया। तो दोस्तों हम बहुत लकी हैं कि हमने वो लोकेशन जो थी यहाँ पहले की वो देख पाए। अब वो चीज़ें बदल चुकी हैं और परिवर्तन होना तो जीवन का दस्तूरी होता है, लेकिन ये चीज़ें उससे भी ज़्यादा ख़राब हो सकती थी। अगर गांव वाले उस वक्त इस फैक्ट्री का विरोध नहीं करते तो शायद ये लोकेशन ऐसी भी ना रहती। तो हमें उन गाँव वालों का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने उस वक्त इतना बड़ा डिसीज़न लिया था और हमें ये जो लोकेशन है, जो एरिया है, उसको उसी रूप में देखने को हमें मौका मिला वो देखने का। तो बस दोस्तों, और अगर आपको ये लोकेशन और अच्छी तरीके से देखनी है तो आप जो फ़िल्म है मासूक फ़िल्म उसको देखिए, और उसमें जितनी भी लोकेशन थी पहले की उसको आप इंजॉय करिए। और हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।